दोस्तों तो हम आ गए मास्टर केज में। तो आज माशाल्लाह बहुत ही गुड न्यूज़ है जी। ठीक है जी, गुड न्यूज़ क्या है तो आज अब अभी मैं आपको जो है ना वो गुड न्यूज़ भी बताता हूँ, साथ साथ मैंने कहा चलो आपको आज परिंदों का शौक भी करवा देते हैं। हमारे जो छोटे चूज़े हैं ना माशाल्लाह, ये यहाँ पर गोल केज में बंद है अभी। इनको जो है ना मैं थोड़ा सा पालक वगैरह ला के, इनका सब्ज़ा वगैरह अभी ला के इनको मैं दूँगा ताकि ये खाएँ और बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे माशाल्लाह। और इनमें से अभी जो है ना 4 बज गए, एक ढीला है अभी भी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इस तरह के चूज़े बचना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। और अभी जो गुड न्यूज़ मैंने आपको बतानी थी वो है, हमारे रूटीनों ने जो है ना अभी मैंने चेक किया तो 2 इन्होंने जो है ना मटकी में एग वगैरह दिए हुए हैं माशाल्लाह। और अभी जो फीमेल है वो अंदर गई हुई है, ठीक है जी। अभी मैंने चेक किया तो 2 एग अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो बाकी भी अभी एग्जीबिशन जो है हमारे वो भी अभी मटकी में जा रहे हैं, तो अभी उनको मैंने मटकी में चेक नहीं किया, लेकिन उन्होंने अंडे दिए कि नहीं दिए, क्योंकि वो काफ़ी दूर है तो वो सीढ़ी लगाकर मुझे चेक करना पड़ेगा, तो वो भी चेक करते हैं इंशाल्लाह उसका भी। तो बाकी कॉकटेल वगैरह तो अभी थोड़ा खामोश ही है, इन्होंने अभी कुछ दिया नहीं है, क्योंकि अभी पैर वगैरह इनका जो है ना ये बड़ा हुआ है। ये बच्चे थे हमारे पास, जो पहले पैर था उनके ये बच्चे हैं, और वो अलग से हमारे पास एक वाइट कलर की जो है वो चीनी मादी है, ठीक है, फीमेल। और उसके बाद जो हमारे जो पीच फेस हैं, इन्होंने भी अभी तक जो है वो गुड न्यूज़ कोई भी नहीं दिया अभी तक, ठीक है। तो सिर्फ रूटीनों ने माशाल्लाह से अभी जो है वो 2 एग इनके मटकी में जो है वो मौजूद हैं जी माशाल्लाह, ठीक है। बाकी जो पट्ठे पट्ठियाँ ये अभी जो है अभी इनको खोला था हमने, तो जो है ना अभी इनको बंद कर दिया हमने, ठीक है। तो आस्ते आस्ते इंशाल्लाह, आज मैं गया था मंडी में, मंडी में कुछ इतना कोई ख़ास जो है वो कोई मुर्गा मुर्गी नहीं था, नहीं तो मैं ले आता। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मौसम बेहतर होता जाएगा उस तरह चीज़ें भी अच्छी अच्छी आती जाएंगी। तो ये एक हमारे पास मादी है, ठीक है, तो इसके साथ इसके लिए जो है ना अच्छा सा एक मुर्गा ले कर आएँगे इंशाल्लाह। अभी जो है ना अपनी रीच पूरी कर रही है माशाल्लाह से, ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली मादी है। कुंडल बाल इसने अभी आस्ते आस्ते निकालना शुरू कर दिया, ठीक है जी। ये देखें अभी माशाल्लाह, ठीक है, दम वगैरह भी अभी इसकी निकल रही है, चौरस नली की मादी है वो। इंशाल्लाह इसके लिए जो है वो अच्छा सा मुर्गा ले कर आते हैं, उसके साथ फिर इसका जो है ना ब्रीड वगैरह भी लेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारी पट्ठियाँ हैं तो ये भी आस्ते आस्ते तैयार होती जा रही हैं, लेकिन ये है कि उनको थोड़ा सा टाइम और लगेगा, सर्दियों तक इंशाल्लाह ये तीनों हमारी पट्ठियाँ जो है ना तैयार हो जाएंगी अंडे शंडे देने के लिए। पट्ठा भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और अभी इनको जो है ना मैं सब्ज़ा ला के डालूंगा, अभी जैसे सुस्त बैठती है ना तो फिर इनको मैं सब्ज़ा वगैरह प्याज धनिया टमाटर और पालक ये चीज़ें देता हूँ तो ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जब भी आपके परिंदे सुस्त बैठें, ठीक है, जैसे कि सुस्त हो जाएं तो आप समझ लें कि इनको जो है ना भूख लगी है या तो कोई ना कोई मसला गड़बड़ा है। तो इंशाल्लाह आप खुराक अच्छी देंगे, खुराक अच्छी मिलने की वजह से आपका परिंदा बिल्कुल 100% एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब खुराक मिलती है तो इंसान भी टाइट हो जाता है और परिंदे तो फिर भी परिंदे हैं। तो अभी ये देखें बिल्कुल यार खामोश, बिल्कुल कोई इनका रिस्पॉन्स इतना ख़ास नहीं है। वैसे तो मैं आता हूँ तो ये आगे पीछे भागते हैं। तो उसी तरह ये हमारे छोटे चूज़े, इसको देखें आप, ये बिल्कुल सुस्त हुआ पड़ा हुआ है, वाइट वाला जो है ये, ठीक है जी। तो अभी इंशाल्लाह इनके लिए मैं पालक वगैरह भी लेकर आता हूँ, ठीक है, पालक वगैरह डालता हूँ, इनका सब्ज़ा डालूंगा तो ये बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना है। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो मंडी की वीडियोज़ इंशाल्लाह डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा जब अच्छे परिंदे आएंगे मंडी में फिर वीडियोस वगैरह बना के इंशाल्लाह मंडी के भी आपको विज़िट कराया करेंगे दोबारा से। तो उसके लिए मैं जो है वो इंशाल्लाह आपको अलग से वीडियो बना के शो करवाया करूँगा, ठीक है। वैसे तो मैं टिकटॉक पे डालता हूँ, पिंडी ब्लॉग्स के नाम से भी हमारा टिकटॉक पे चैनल है, ठीक है, आईडी है, और आओ शो करें ऑफिशियल के नाम से भी, उस पर मैं जो है वो मंडी की वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं मंडी की वीडियो, तो फॉलो भी कीजिएगा लाजमी, ठीक है जी। अभी थोड़ा सा आपको कबूतरों का भी शौक करवाता हूँ मैं। ये इस साइड पर कुछ कबूतर बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे बाहर निकले हुए हैं और कुछ ऊपर बैठे हुए अपना दाना वगैरह खाने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको कबूतरों का भी शो करवा देते हैं। कुछ अंदर जो है वो बैठे हुए हैं मटकियों में, अपनी अपनी पेटियों में, बच्चों के ऊपर, ठीक है जी। माशाल्लाह ये चेक करें, ठीक है, तो अपनी अपनी मटकियों में पेटियों में आराम से बैठे हुए हैं। कहीं के नीचे अंडे हैं, किसी के नीचे बच्चे हैं, तो आराम से बैठे हुए हैं, इनको तंग नहीं करते हम लोग। यहीं से मैं आपको शो करवा देता हूँ साथ साथ, ये देखें माशाल्लाह, ठीक है जी। ये देखें जी, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।